आज मैं ट्रेंडिंग कॉर्न शवरमा बनाती हूँ, वो भी मेरे स्टाइल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप तमाम भी खैरियत से होंगे। आप पहली बार मेरी वीडियो देखते तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल के बेल को भी हिट करें। मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी फ्री में आप तक पहुँच जाएगी। शेयर लाइक करें, कमेंट करें। आज मैं कॉर्न शवरमा बनाने के लिए, फर्स्ट हम कॉर्न बना लेते हैं। इसके लिए बाउल में मैदा हाफ कप डालते हैं और इसमें ऐड करते हैं शुगर पाउडर 2 टेबल स्पून, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और इसमें ऐड करते हैं पिंच ऑफ साल्ट और 2 टेबल स्पून ऑयल। और वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, और अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिल्क हाफ कप, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके इसके बैटर बना लेते हैं। अच्छी तरह इसमें लम्स ना रहे, इस तरह का बैटर हम तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको ढककर 15 मिनट्स के लिए रेस्ट में रख देते हैं। 15 मिनट्स हो गया। अब मैं 2 टेबल स्पून मैदा का बैटर डालकर इसको अच्छी तरह पहलाती हूँ और लो फ्लेम पर रखकर हम इसको पकाएंगे। इस तरह पहलाना चाहिए। देखिए इसके अतराफ में गोल्डन कलर आ रहा है, इस तरह आना चाहिए। लो फ्लेम पर ही होना चाहिए। और इसको निकाल कर दूसरे साइड्स भी हम 2-3 सेकेंड पका लेते हैं। इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिए। अब हम दूसरा कोन के लिए 2 टेबल स्पून डालकर इसको भी हम बारीक सा पहलाते हैं। जितना बारीक हो सकता है इतना बारीक सा हम पहलाएंगे। इसको भी हम लो फ्लेम पे रखकर पकाएंगे। एक साइड ये अच्छी तरह पक चुका है, दूसरे साइड भी हम 5 सेकेंड्स के लिए पका लेते हैं। अब हम इसको कोन के शेप में फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हम कोन शेप में फोल्ड कर लेते हैं। इसको ठंडा होने नहीं देना चाहिए, गर्म रहते वक्त ही हम इसको कोन के शेप में बना लेते हैं। देखिए हमारा कोन तैयार हो गया।
अब हम दूसरा कोन भी बनाते ही इस तरह से हम बनाना चाहिए। गरम में ही प्रेस करने से ये कोन के शेप में हो जाता है। हमारा कोन तैयार हो गया, देखिए। अब हम एक कप मायोनीज लिए ही इसमें हाफ कप अलग कर लेते हैं ताकि इसमें और मसाला ऐड करेंगे। ये गार्लिक मायोनीज है, अभी इसमें ऐड करते हैं हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी, हाफ टेबल स्पून ऑरिगेनो, और हाफ टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं टोमेटो केचप 1 टेबल स्पून, ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये बोनलेस चिकन है, इसको हम बॉईल कर लिए, ये 250 ग्राम है, इसके रेशे कर दिए और मायोनीज को इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम ऐड करते हैं धरधरा सा पेपर पाउडर, अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब हम इसमें ऐड करते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब हम इसमें ऐड करते हैं ऑनियन चॉप 2 टेबल स्पून, ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हम फिर से 2 टेबल स्पून मायोनीज ऐड करके इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब हम इसको कोन में फिल करते हैं। फर्स्ट कोन में जो हम मसालेदार मायोनीज बना कर रखे थे वो डालते हैं, इसके अतराफ हम डालते हैं। और जो चिकन को मायोनीज और दूसरे मसाले से मिला कर रखे थे वो 2 या 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करते हैं, और इसके ऊपर हरा धनिया और फिर से चिकन मायोनीज इसके ऊपर फिल करते हैं। और पिंक मायोनीज हम इसके ऊपर डालते हैं। इसके ऊपर हम गार्निश करते हैं
टमाटो केचप से। हमारा कॉर्न चिकन शवरमा तैयार हो गया। अब मैं दूसरे कॉर्न को भी फिल कर लेती हूँ। देखिए हमारा कॉर्न कितना क्रिस्पी हो गया। फर्स्ट इसको पिंक मायोनीज से फिल कर लेती हूँ, इसके अतराफ में स्प्रेड कर लेती हूँ। और इसमें फिल करती हूँ जो चिकन मायोनीज और मसाला मिला कर रखे थे वो 3 टेबल स्पून इसमें फिल करती हूँ। और इसके ऊपर जो पिंक मायोनीज है वो डालती हूँ। और इसको गार्निश करती हूँ टमाटो केचप से। हमारा दूसरा कॉर्न चिकन शवरमा भी तैयार हो गया। आप भी ज़रूर से ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कॉर्न चिकन शवरमा आपको कैसा लगा। आपकी दुआओं में मुझे याद करें। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।